खबर पटना से है, जहां चिराग पासवान अंबेडकर पार्क के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल आज रामविलास पासवान की जयंती है, इस मौके पर चिराग आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। वो अंबेडकर का आशीर्वाद लेकर यात्रा की शुरुआत करना चाह रहे थे। उनका आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें अंबेडकर पार्क में घुसने से रोका, जिसके बाद नाराज चिराग और उनके समर्थक पार्क के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। चिराग ने कहा कि प्रशासन उन्हें अंबेडकर का आशीर्वाद लेने से रोक सकता है, लेकिन उनके बताए पदचिन्हों पर चलने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी में दो धड़े हो गए हैं। चिराग पासवान के चाचा ही पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। ऐसे में चिराग सड़क पर उतरकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं, साथ ही शक्ति प्रदर्शन की भी एक रणनीति हो सकती है। सिर्फ अंबेडकर साहब अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, 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 अंबेडकर साहब अमर रहे। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके दर्शन करने से, उनके आशीर्वाद लेने से किसी को भी रोका जा सकता है। पर आज इस तरीके से हम लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा, उनका आशीर्वाद लेने से रोका जा रहा है। आप आशीर्वाद लेने से रोक सकते हैं, पर उनके विचारों पर चलने से आप किसी को नहीं रोक सकते। हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश इस वक्त इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, क्या अभी भी धरने पर बैठे हैं चिराग पासवान? और ये लग ऐसा रहा है कि चिराग पासवान पहले से ही सोच कर आए थे कि अब बिहार की धरती पर उन्हें नारे और धरने के साथ ही अपनी राजनीति आगे बढ़ानी है। देखिए, चिराग पासवान यहाँ पे स्वर्गीय रामविलास पासवान का आज उनके निधन के बाद पहला जन्मदिन है, और इस मौके पर वो यहाँ पे आशीर्वाद यात्रा के तौर पर मनाने को पहुंचे थे। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जो प्रतिमा है उस पर वो माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन एक जो प्रोटोकॉल है कोरोना संक्रमण काल को लेकर, इसको लेकर यहाँ पे तमाम सारे जिस तरीके से उनके समर्थक उमड़े, और साथ ही साथ चिराग पासवान भी कई जगहों पे खुद मास्क नहीं लगाए हुए दिखे, साथ ही साथ उनके जो समर्थक थे ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी और ना ही जो प्रोटोकॉल है उसको कहीं मेंटेन किया गया, तो इस बाबत वहां पे अंदर जाने की जब इजाजत नहीं हुई तो चिराग पासवान धरने पर बैठ गए और सीधा सीधा आरोप लगाया कि उन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के आशीर्वाद लेने को लेकर मना किया जा रहा है। तो इस तरीके से धरना पर बैठकर विरोध जताना शुरू किया। लेकिन आज यहां पे बैठक भी थी आपदा प्रबंधन समूह की, और जिस तरीके से कोरोना संक्रमण को लेकर एक स्थिति को नियंत्रित करने को लेकर जो गाइडलाइन जारी किया हुआ है उसकी यहाँ पे धज्जियां उड़ती हुई दिखी, और इस बाबत चिराग पासवान ने आपत्ति जताई कि उन्हें आशीर्वाद नहीं लेने दिया जा रहा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। तो इन तमाम बातों के बीच में फिर हाजीपुर में कार्यक्रम है चिराग पासवान का आयोजित, वहाँ वो प्रोसीड कर गए, लेकिन तमाम जो उनके समर्थक थे उनमें कैजुअल अप्रोच देखा गया कोरोना संक्रमण की जो गाइडलाइन है इसको लेकर, और उसी कड़ी में यहाँ पे अम्बेडकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास भी वही स्थिति देखने को मिली, और चिराग पासवान को जब अंदर जाने की इजाजत नहीं हुई तो फिर वो धरने पर बैठकर विरोध जताना शुरू कर दिया।